अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब सेंटर एंड जीके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग लेक्चरर की जॉब का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस खबर की मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानब से लेक्चरर की भर्ती के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक रिक्वायरमेंट जो है वो भेज दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जिसके मुताबिक रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर BA 17 मेल एंड फीमेल, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू इन्फॉर्म दैट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू रिक्रूट लेक्चरर BA 17 मेल एंड फीमेल थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस मिशन टू फिल अप द गैप ऑफ टीचिंग फैकल्टी इन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो लेक्चरर मेल फीमेल की भर्ती करने जा रहा है। ये भर्ती जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होगी, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो तमाम अजला की जो खाली सीटें हैं उनकी तफसील 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो भिजवाए, यानी 2 दिन के अंदर ये तफसील जो है तमाम अजला से भेज दी जाएगी। उसके बाद जो है इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। भर्ती जो है वो PPSC के जरिए होगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर डिग्री है। तो मास्टर डिग्री वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी कर लें। तकरीबन तमाम मजामीन के लिए ये सीटें होंगी, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो मास्टर डिग्री या BS ऑनर होगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है मेल फीमेल के लिए जो टीचिंग जॉब, खासकर जो लेक्चरर की जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। और यहाँ पे आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए जो है वो BEd पहले तो लाजमी नहीं होता था, अमीर की जा रही है कि इस बार भी जो है वो BEd लाजमी नहीं होगा। तो BEd के बगैर सिर्फ मास्टर डिग्री वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस हवाले से जो भी नई अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस हवाले से जैसे ही कोई नई खबर आए तो आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।